नमस्कार दोस्तों, मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल जस्ट फ्रेमवेज में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा कि आप एमवे के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल को ऑनलाइन कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको एमवे वेबसाइट को लॉगिन करने की भी ज़रूरत नहीं। आप डायरेक्ट एमवे वेबसाइट पर जाकर एमवे के किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर या फिर डायरेक्ट सेलर की डिटेल को ऑनलाइन देख सकते हैं। दोस्तों एमवे वेबसाइट के इस ऑप्शन का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ फेयर यूज के लिए ही होना चाहिए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों क्या आप अक्सर अपना एमबे आईडी भूल जाते हैं या फिर आपने काफी टाइम से एमबे से प्रोडक्ट परचेस नहीं किया है और आप अपने एमबे आईडी को पूरी तरह से भूल चुके हैं? तो इसके लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट एमबे वेबसाइट पर अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा एमबे डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल को ऑनलाइन सर्च करने की दूसरी बड़ी वजह यह होती है कि अगर आप एमबे बिजनेस को एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ज्वाइन करना चाहते हैं और इसके लिए आपके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड सर्कल में कोई एमबे से एसोसिएटेड है और उन्होंने आपको एमबे के बारे में पहले कभी बताया था और उस समय आप अपने बिजी शेड्यूल या फिर किसी भी पर्सनल रीजन की वजह से एमबे बिजनेस को ज्वाइन नहीं कर पाए थे लेकिन अब करना चाहते हैं और अब आपके पास उनका एमबे आईडी आपकी स्पॉन्सरशिप के लिए नहीं है, तो इसके लिए आपको उन्हें कॉन्टेक्ट करने की ज़रूरत नहीं। आप सिंपली एमबे वेबसाइट पर विजिट करके उनकी एमबे आईडी और उनकी डिटेल को ऑनलाइन अपनी ज्वाइनिंग की स्पॉन्सरशिप के लिए निकाल सकते हैं। और इसके लिए अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लीजिए और एड्रेस बार में टाइप करिए www.amway.in और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद एमवे का होम पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर इस तीन डॉट पर क्लिक कर लेना है और स्क्रॉल डाउन करके नीचे आना है और यहाँ से आपको डेस्कटॉप व्यू को टिक कर लेना है। इसके बाद आपको एमबे की वेबसाइट का व्यू कंप्यूटर व्यू की तरह दिखने लगेगा। यहाँ पर आपको नीचे एव्यू सर्च का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दो तरह से किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल को ऑनलाइन देख सकते हैं। पहला उनके एमबे आईडी या फिर एव्यू नंबर देकर और दूसरा उनका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देकर। तो चलिए हम पहले तरीके से सर्च कर लेते हैं। एग्जांपल के लिए मैं एक रैंडमली कोई भी एक एबीयू नंबर यहाँ पर इंसर्ट कर लेता हूँ। एबीयू नंबर डालने के बाद यहाँ पर इस कैप्चा को चेक मार्क करके कंप्लीट करना होगा तो ही डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल डिस्प्ले हो पाएगी। तो चलिए मैं चेक मार्क कर लेता हूँ। कैप्चा द्वारा दी गई फोटोज में से हमें बस को चुनना है, तो चलिए मैं चुन लेता हूँ और वेरीफाई पे क्लिक कर देता हूँ। और चलिए हमारा वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। अब मैं डिस्प्ले पर क्लिक कर देता हूँ। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में आपको उस डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपने सही एबीयू नंबर नहीं दिया है जिसकी आप एग्जैक्टली डिटेल चाहते हैं तो आप सिंपली सेकेंड ऑप्शन पर जाकर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम देकर भी सर्च कर सकते हैं। तो चलिए मैं डिटेल दे देता हूं। डिटेल देने के बाद आपको वापस से आई एम नॉट अ रोबोट पर क्लिक करना होगा जो कि एक सिक्योरिटी फीचर है और इस सिक्योरिटी फीचर को मैन्युअली कंप्लीट करने पर ही आपको एबीयू की डिटेल मिल पाएगी। तो चलिए इसे कंप्लीट कर लेते हैं। कैप्चर द्वारा दी गई फोटोज में से मुझे ब्रिज को चुनना है, तो चलिए मैं चुन लेता हूँ और वेरीफाई पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया। आप डिस्प्ले पर क्लिक कर देता हूँ। डिस्प्ले पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना होगा क्योंकि सेकेंड ऑप्शन में जिस किसी डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल को आप उनके नेम से सर्च करना चाहते थे तो उनके नेम से मिलते हुए सारे डिस्ट्रीब्यूटर की डिटेल भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप इन सभी डिटेल में चेक करके आपके कंसर्न डायरेक्ट सेलर की डिटेल को अपनी स्पॉन्सरशिप के लिए पिक कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ जरूरी बातें और बता दूँ।
अगर आप एबीयू नंबर से सर्च कर रहे हैं तो इसके लिए आपको एकदम सही नंबर ही टाइप करना होगा, अदरवाइज आपको इनवैलिड एबीयू नंबर का एरर भी मिल सकता है। इसी तरह से अगर आप एबीयू नंबर को लेकर श्योर नहीं है तो आपको उनका सही सही नेम और सरनेम यहाँ पर डालना होगा, तो ही आपको प्रॉपर डिटेल मिल पाएगी। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके कोई डाउट्स या फिर क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारे चैनल की आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहें। नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी तो आपसे हमारी वीडियोज़ की अपडेट मिस नहीं होगी। दोस्तों, मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो बनाता रहता हूँ, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरी सारी वीडियोज़ को अपने ग्रुप में भी शेयर कर दिया करें, ताकि आपके ग्रुप को भी सही और पूरी जानकारी मिलती रहे। मैं मुझे आपसे फिर मुलाकात करता हूँ एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। हैव अ गुड डे, बाय फॉर नाउ।